हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मनी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके पहले के 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन है, द आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स अंडर द आरबीआई जो करेंसी नोट इशू करती है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंडर इशू करती है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स शुड, जब इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई, जब महंगाई होती है तो रेट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बढ़ जाते हैं, हर एक चीज़ का दाम बढ़ जाता है इन्फ्लेशन के टाइम पे। नेक्स्ट है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ब्लैक मनी से जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज है वो लेस इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है जो हमारी कंट्री में जो पैसा सर्कुलेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो ब्लैक मनी होती है वो सरकार के अकाउंट से बाहर होती है, तो इसीलिए ब्लैक मनी से जो सरकार मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। नेक्स्ट है, इन द प्रलांस ऑफ इकोनॉमी कमर्स व्हाट इज गिल्ट एस्ट मार्केट, गिल्ट एस्ट मार्केट क्या होती है। गिल्ट एस्ट मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की को सेल किया जाता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहाँ पे सेल किया जाता है तो इट मींस यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे आ जाती है, राइट। तो आंसर आ जाएगा मार्केट ऑफ सेफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्या करना है। द अमाउंट ऑफ रूपी कॉइन्स एंड प्रिंटेड पेपर नोट्स इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। देखो, रूपी कॉइन और पेपर नोट्स जो है, प्रिंटेड पेपर नोट्स है, उनको हमें इंक्रीज करना होगा। अगर वो इंक्रीज होंगे तो मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ रूपी कॉइन कैन नॉट इंक्रीज कमेंसुरेट विद द पेपर मनी, सेकेंड वाला जो मनी सप्लाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। पेपर मनी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, पेपर मनी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी ही होगी, तो ये वाला भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1 और 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आर नॉर्मली नोन एज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, मैनी टाइम वी रीड अ टर्म इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर GDR, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द सेम। GDR की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये क्या होते हैं, ये एक तरह का बैंक सर्टिफिकेट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटरनेशनली शेयर्स वगैरह होते हैं उनका एक तरह की ये एक रिसीट होती है, एक सर्टिफिकेट होता है, राइट। नेक्स्ट है, द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ लंदन स्टॉक मार्केट इज रेफर्ड एज, लंदन स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं FTSE, FTSE, जैसे कि सेंसेक्स किसका है, BSE का है इंडिया में, निफ्टी किसका है, NSE का है। नेक्स्ट है, सेबी बैन सम कंपनीज फॉर देयर रोल इन FNO स्कैम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FNO, FO की फुल फॉर्म क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसको ये क्या था, ये एक तरह का स्कैम था, इसमें जो 89% इसमें जो इन्वेस्टर्स थे वो लॉस में जाते थे, तो एक तरह का ये स्कैम था, तो इसीलिए इसको सेबी ने बैन कर दिया, क्योंकि इसमें लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था इन्वेस्टर्स का। नेक्स्ट है, मैनी टाइम्स वी रीड अ टर्म ECB इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ECB की फुल फॉर्म क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो फॉरेन करेंसी में बोरो करते हैं, तो जब वो फॉरेन करेंसी में बोरो करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ एनी ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज। तो नास्डक क्या है, नास्डक USA का है इंडेक्स, निकाई किसका है, ये जापान का है, कॉस्पी किसका है, ये है कोरिया का, तो कॉम्बिक्स जो है ये किसी का भी, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स नहीं है।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नोन एज मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया। इंडिया में मार्केट रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट। मनी मार्केट कौन सी होती है? जो शॉर्ट टर्म मार्केट है, तो इसमें इंडियन गोल्ड काउंसिल नहीं आएगा। नेक्स्ट है, येन इज द करेंसी ऑफ। येन कौन सी कंट्री की करेंसी है? तो ये जापान की करेंसी है। ताइवान की करेंसी क्या है? ताइवानियन डॉलर। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। राइट, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ दुबई। दुबई की करेंसी कौन सी है? दिरहम। टका किसकी करेंसी है? टका है बांग्लादेश की करेंसी। दिनार, दिनार अलग अलग कंट्रीज की करेंसी है, जैसे कि इराकी दिनार हो गया, कुवैती दिनार हो गया। डॉलर, ये भी यूएस डॉलर हो गया, कनेडियन डॉलर हो गया, ताइवानियन डॉलर हो गया, तो ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अर्लियर इट वॉज थॉट सेफ टू अलाउ ईच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कैरी आउट ओनली वन टाइप ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, बट नाउ बैंक्स आर सेलिंग शेयर्स, इंश्योरेंस कंपनीज कैन सेल बैंकिंग सर्विसेज। दीज न्यू फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स आर कॉलोकली रेफर टू एज। अब देखो, पहले क्या होता था, पहले ये माना जाता था कि मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वही फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है और वो सेफ भी है, राइट। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो बैंक्स हैं, बैंक्स में शेयर्स बेचे जा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज जो है ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो ये क्या है, ये दोनों की आपस में कॉन्ग्लोमरेट हो रहे हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे की सर्विसेज में डील कर रहे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल टर्म है, इसको क्या बोला जाता है? इस फाइनेंशियल टर्म को बोला जाता है फाइनेंशियल सुपरमार्केट्स। नेक्स्ट है, एक्सपैंड द टर्म लाइबर। लाइबर क्या होता है? लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। तो लाइबर क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के लिए एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है। इसको यूजली यूज किया जाता है मॉर्टगेज के लिए या इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के लिए या फिर करेंसी रेट स्वैप्स के लिए इसको यूज किया जाता है। अब बात आती है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या होता है। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का मतलब होता है कि दो पार्टीज के बीच में जो लेन देन हो रहा है, उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हो रहा है इंटरेस्ट रेट को लेकर, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। करेंसी रेट स्वैप्स में भी इंटरनेशनली, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह एक बैंक इन ग्लोबली जो बैंक्स आपस में करती है, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो दोनों पार्टीज की एग्रीमेंट से तय किए जाते हैं, या फिर करेंसी रेट का कि करेंसी का क्या रेट रहेगा, तो वो दोनों पार्टीज के एग्रीमेंट से वो जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। तो लाइबर बेसिकली यूज किया जाता है मॉर्टगेज या इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के लिए, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिसेंटली लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर फॉरेन कंपनीज हु विश टू रेज मनी फ्रॉम द इंडियन कैपिटल मार्केट। तो इंडियन कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेट रेगुलेट करता है, तो गाइडलाइंस कौन लेकर आएगा? वो भी सेबी ही लेकर आएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, शेकल इज द करेंसी ऑफ। शेकल कौन सी कंट्री की करेंसी है? ये है इसराइल की, इजरायली शेकल। कीनिया की कौन सी करेंसी है? कीनिया की करेंसी है शिलिंग, कीनियन शिलिंग। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। इराक की करेंसी क्या है? इराकी दिनार। नेक्स्ट है, शिलिंग इज द करेंसी ऑफ। शिलिंग कीनिया की करेंसी है। साउथ कोरिया की साउथ कोरियन वन। इसराइल की क्या है? शेकल है। घाना की करेंसी क्या है? घानियन सेदी, CEDI, घानियन सेदी घाना की करेंसी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।